Devo rimettere lo sguardo. Riesco che hanno che c'è la gara, meglio che lo sguardo. Gianni Ghilì, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है। मैं तो जब से बचपन से होश संभाला हूँ तब से उनको सुना हूँ, और वो लोग तो भगवान के लोग थे, भगवान के करीब के थे। उन्होंने जो काम किया है और जो उन्होंने मिसाल छोड़ के गए हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। हमें गर्व है ऐसे कलाकार के लिए। हमने शोमा जी को अपनी मानस बेटी बनाया था जी जी, और लगातार शोमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो शास्त्रीय रूप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शोमा जी जो कर रही हैं और विलुप्त होते वाद्यों की परंपरा के लिए जो कुछ कर रही हैं जी, मैं आपके विचार सुन। शोमा जी को डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है और अभी भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि भी दी उनको। और शोमा जी हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब के शिष्य रहे हैं और ख़ुद इतना अच्छा उन्होंने काम किया है और उनसे सीखा है, उनके साथ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो बहुत लकी हैं और उन्होंने उस चीज़ को संभाला है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगी और बहुत लोगों को आगे ले जाएंगी। मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी क्योंकि उन्हें लगता है कि यंगस्टर्स को अगर हमें जोड़ना है हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से जी, तो क्या फ्यूज़न ज़रूरी है? देखिए, हर चीज़ ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर दाल भात सब्जी चाहते हैं तो उसमें चटनी भी ज़रूरी है। तो संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, गज़ल गायकी, ठुमरी, फिल्मी संगीत, हर चीज़ ज़रूरी है, तो फ्यूज़न भी ज़रूरी है। तो आप लोगों के पास तो माध्यम है, मीडिया है, तो जी इस दिशा में आप लोगों का क्या सहयोग मिलने वाला है वो बताइए। मिलेगा, आप लोग जो चाहेंगे और हम लोगों से जो बन पड़ेगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर सहयोग करेंगे। हम आपको परेशान करते रहेंगे? परेशान, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। राजीव जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे महाराष्ट्र विधानसभा के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा सदस्य एवं मुंबई के पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री आशीष शेलार जी को मंच पर लाएं एवं आसन ग्रहण कराएं। सर,
आशीष जी शायद अनुपस्थित हैं। मैं राजीव जी से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे महाराष्ट्र राज्य मंत्री महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर जी शायद वो भी अनुपस्थित हैं। और अब मैं राजीव जी से गुजारिश करती हूँ कि मैं समय हूँ सीरियल महाभारत में अपनी आवाज से प्रभावित करने वाले विविध कार्यक्रमों के आवाज की दुनिया के सरताज माननीय श्री हरीश धीमानी जी को मंच पर लाए, पंडित ब्रज नारायण जी को मंच पर लाए एवं आसन ग्रहण कराए। शायद ब्रज नारायण जी उपस्थित नहीं हैं। मैं अनिल कपूर जी से, अनिल कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे जाने माने बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन एवं ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। मधु चोपड़ा जी, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इसी श्रृंखला में शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, जो अपने आप में एक अनोखे बिरले कलाकार थे, उनकी शहनाई की गूंज को आज उनकी दत्तक पुत्री सोमा घोष आज विश्व के कोने कोने में पहुंचा रही है। खान साहब ने देश और दुनिया को अलग अलग हिस्सों में अपनी शहनाई की गूंज से लोगों को मोहित किया और अब सोमा घोष जी उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर देश के साथ इंग्लैंड और अमेरिका में भी उनके नाम से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी उपस्थिति उनकी पहचान भारत के सम्मान को एक नई दिशा देगी, नया आयाम स्थापित करेगी। आपकी सादर उपस्थिति ऐसे सभी कार्यक्रमों में प्रार्थनीय है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सबकी ओर से मैं डॉक्टर सोमा घोष को बधाई ही नहीं धन्यवाद देना चाहूंगा। जानता हूं उस्ताद साहब जहां भी होंगे देख रहे होंगे और आपको कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे होंगे। क्या एक अति सफल शास्त्रीय संगीतकार या सर्वोच्च पुरस्कार विजेता भारतीय है, इन सब से बहुत ज्यादा बहुत आगे है उनके सुरों। माननीय राजीव जी, डॉक्टर सोमा घोष, मैं माननीय उदित राज जी, माननीय राजीव जी एवं सोमा जी से गुजारिश करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं अनिल कुमार जी से
शुभारकर जी से और सोमा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह से माननीय श्री उदित राज जी का स्वागत एवं सम्मान करें। मैं शुभंकर घोष जी, सोमा घोष जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय श्री हरीश भिवानी जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। मैं पंडित जसराज जी, हेमा जी से गुजारिश करती हूँ कि वे माननीय श्री मधुसूदन अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आप संगीत ग्राम की कमेटी मेंबर हैं और विशेष समिति में आप एडवाइजर भी हैं। पंडित जसराज जी और हेमा जी, मधुसूदन अग्रवाल जी का स्वागत। मैं डॉक्टर सोमा घोष जी से और शुभंकर घोष जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय श्री उदित नारायण जी का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से करें। मैं सोमा जी और राजन जी से गुजारिश करती हूँ कि वे माननीय उस्ताद नाजिम बिस्मिल्लाह खान साहब का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। माननीय उस्ताद नाजिम बिस्मिल्लाह खान साहब का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत। मैं सोमा जी और अनिल कुमार जी से गुजारिश करती हूँ कि वे राजीव वर्मा जी का भी स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानीय मेरा प्रणाम। आज जो मुझे जो सम्मान मिला है उसकी मैं उसकी परिभाषा तो मैं कर ही नहीं सकता। यूं तो दो चार सम्मान मिले हैं मगर ऐसा सम्मान नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को मैं क्या है? सारे बड़े बड़े से कलाकारों को फॉलो करते थे, उनके सुर को देखते थे। और मैं एक बात बताऊं, ऊपर वाला जानता है, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं मुझको बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा तकलीफ होती है, उस्ताद तो बीड़ी पीते थे। तो मैं अपना स्वरमंडल मिला रहा था और उसी लखनऊ की बात है, उसी टेंट में वो भी बैठे थे और बीड़ी फूक रहे थे। पता नहीं उनको कैसे अंदर से पता चला कि कहा बेटे मुझे माफ़ करना करके उठ के चले गए बाहर, वहाँ जा के लिए। तो ऐसे सोच और मुझको कहते हैं बेटा तुम्हारी तो गंधार सदी हुई है, जिसकी गंधार सद जाती है वो उसका बेड़ा पार है। और एक बार 1966 में यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मतलब बम्बई गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस दिन में लक्ष्मी जी, राम नारायण जी, किशोरी जी और मैं, ये चार कलाकार थे। और सुनने के लिए सारे जो यंग कलाकार थे जैसे उस्ताद मनोवर खां, नसीर अहमद खां, नियाज अहमद खां, फयाज अहमद खां, ऐसे ही सारे कलाकार थे, उनके बीच में खड़े रह के कहते हैं बेटा छः दस्तान मारने वाले बहुत हैं, तुम्हारे गले में तो अल्लाह बोलता है। मतलब ऐसे लोगों के आशीर्वाद
जब मिलते हैं वो जम्मू के निकल जाते हैं तो वो भी सुनता है कि यार इसकी सुन लो। तो आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं शोभा जी आज जी तो जरूर है, जो जो इंसान दिल में बसता है वो जी में भी बसता है। तो शोभा जी का मैं लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने हमें इसके लिए चुना, इसके लिए चुना। मेरे पास एक उसका जिसमें लाना साहब का फोटोग्राफ है जिसमें हम दोनों बैठे हैं, हैदराबाद का है, वो प्रोग्राम के लिए आए थे, हमने उनके यहाँ पे हाथ रखा तो किसी फोटोग्राफर ने कहा कि आप पंडित जी उस्ताद जी आप लीजिएगा, नहीं मैं एक अच्छा फोटोग्राफ लेता हूँ, सच में बहुत खूबसूरत फोटोग्राफर है। और ऐसे ही यादगार बनती रहती है हमको। मैंने उनके कहाँ कहाँ दीदार नहीं किए, सियाटल में मैंने किए, वैंकूवर में मैंने किए, लंदन में मैंने किए, न्यूयॉर्क में मैंने किए, कहाँ कहाँ दीदार नहीं किए। और उनकी शहनाई तो यहाँ है दिल में है, क्योंकि जब कोई सही सुर लगता है तो उनकी याद आ जाती है ये उनका है। वो कलाकार ऐसे थे कि भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि हर सुर में जो सच्चा सुर लगेगा तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की याद आएगी। बस आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी मतलब बड़ी अच्छी कलाकार है। मैं और दुर्गा जी मेरी बेटी हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि बापू आप हेमा जी को क्या समझते हैं। मैंने कहा मैं कह दूंगा तो जरा अतिशयोक्ति नहीं समझना, उन्होंने कहा कि लता जी और हेमा जी वो अपनी शैली गाने में और ये अपने तो उनके हाथ से अवार्ड दिलाया। थैंक यू सो मच जी। अच्छा ठीक है, मैंने तो इनको यही कहा कि आज आपने आके इज्जत रख दी, जिसका भी नाम अनाउंस किया जा रहा था वो नदारद थे, मगर हमारी प्यारी पब्लिक आपको शुक्रिया, आपको धन्यवाद, आपको हजार हजार कोटि नमन करता हूँ कि आप तो आए। जय हो। धन्यवाद पंडित जी, और अपना गुजारिश करती हूँ माननीय हेमा मालिनी जी से कि वे हमें संबोधित करें। माननीय पंडित जसराज जी, शोमा घोष जी, इस मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और आप सबको मेरा प्रणाम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे भाग्य मिला है। देश विदेश में बहुत ही मशहूर कलाकार श्री बिस्मिल्लाह खान साहब के शताब्दी का वर्ष मनाया जा रहा है, पूरे देश में अलग अलग शहर में मनाया जा रहा है, आज मुंबई में है। और यहाँ के हमारे बहुत ही संगीत के सम्राट पंडित जी को ये सम्मान दिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह खान साहब के मधुर ध्वनि जो शहनाई द्वारा जो मिलती थी सुनने को, उसने तो पूरे देश को मोहित कर दिया था। लेकिन अफसोस कि मुझे कभी ऐसा एक अवसर नहीं मिला उनको मिलने का और सामने बैठकर उनके वाह जो बजाते हैं उसको सुनने का नहीं मिला। लेकिन मैं बहुत ही बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उनका जो शहनाई बजाते हैं, उनका जो ढंग है, उन्होंने एक नई पहचान दी शहनाई की। और आज भी जो
शहनाई और सारंगी का जो कॉम्बिनेशन में जो बज रहा था इतना सुंदर लग रहा था, जो बहुत दिनों के बाद ऐसे सुनने को मिला। शायद बनारस में काफ़ी मिलता होगा लेकिन मुंबई में नहीं मिलता है। मुंबई में स्टेज में बहुत सारे बॉलीवुड के गाने बजते हैं जो हम हर जगह हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इस तरह का जो संगीत जो सुना अभी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे खुशी है कि खान साहब के नाम पर आगे भी बहुत कलाकारों को ये सम्मान किया जाएगा, वो सब बहुत ही भाग्यशाली होंगे ऐसे सम्मान जो मिलेगा उन लोगों को। और आज के कार्यक्रम में रजीव वर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं राजीव जी से एवं अनिल कुमार जी से गुजारिश करती हूँ कि वे मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मंच के समक्ष प्रथम पंक्ति में स्थान ग्रहण करने के लिए लेकर जाएं।